हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स से एक और वीडियो में। और आज के स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट इंकजेट स्टिकर शीट के बारे में। बात करेंगे ये शीट होती क्या है, इसे कैसे प्रिंट किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि इस शीट की लिमिटेशंस क्या है और कैसे आप उन लिमिटेशंस को पार कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस शीट का एक क्लोजअप दिखा देता हूं और बता देता हूं इस शीट की क्वालिटी के बारे में। ये शीट है हमारी, इस तरह से इस तरफ हमने नॉर्मल इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट किया है, और पीछे इसका ये रिलीज पेपर है, क्योंकि पीछे ये वाइट है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट यहाँ पे होगा। तो बस ये छोटी सी चीज़ है, हो सकता है कि जब आपको पार्सल के थ्रू ये पेपर मिले तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाए, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। जब प्रिंट करें तो प्रिंट करने से पहले उसे इस तरह से हल्का सा रोल कर लें, 2 मिनट रखें, पेपर सीधा हो जाएगा और तब आप इसे दूसरी शीट्स के साथ प्रिंटर में डाल दें और वो प्रिंट हो जाएगा। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी स्टिकर की क्वालिटी। स्टिकर इस तरह से निकलेगा, हल्का सा एक ब्लू कोटिंग जैसी होती है जो कि ना बराबर होती है, आपको इतनी गहराई से नहीं दिखती वो। और इसे मैं यहाँ पे एक फोम शीट के ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ आपको इसकी क्वालिटी दिखाने के लिए। तो यहाँ हमने इसे ऐसे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, ये हो गया हमारा प्रिंट और पीछे से रिलीज पेपर निकल चुका है। ये फोम शीट के ऊपर प्रिंट होने के बाद ऐसे लग रहा है हमारा ट्रांसपेरेंट शीट, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट क्वालिटी। ऑलराइट, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये शीट की क्वालिटी क्या है, बट अब इस शीट की डिटेल में मैं आपको बात करता हूँ। सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट स्टिकर? ट्रांसपेरेंट स्टिकर जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये एक ऐसी शीट है जो कि प्लास्टिक मटेरियल से बनी है और इस पे इसके ऊपर आप किसी भी इंकजेट प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ये शीट प्रिंट होने के साथ साथ एक एडहेसिव स्टिकर भी है, एक ट्रांसपेरेंट स्टिकर भी है, जिसके बैक साइड एक वाइट कलर का मैंने रिलीज पेपर डाल दिया है ताकि ये आपको पता रहे कि इसे किस तरह से प्रिंट करना है। ये शीट जो होती है इसके ऊपर हल्की सी ब्लू कलर की एक कोटिंग होती है जिसके ऊपर दरअसल ओरिजिनली प्रिंट होता है। तो ये क्लियर ट्रांसपेरेंट है, ये प्लास्टिक क्वालिटी की होती है और इसे आप इंकजेट प्रिंटर में भी प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर जब आप पानी डालते हैं तो ये वाटरप्रूफ भी होती है। तो एक ही शीट के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज होने के कारण उसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, एंड उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट है इसे प्रिंट कैसे किया जाता है। इस ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट को प्रिंट करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप किसी भी इंकजेट प्रिंटर में इसे प्रिंट कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ इंकजेट प्रिंटर, मेरा मतलब है इंकजेट प्रिंटर्स, इको टैंक प्रिंटर्स, इंक टैंक प्रिंटर्स जैसे कि एप्सन, कैनन, HP और ब्रदर के जो कमर्शियली अवेलेबल प्रिंटर्स होते हैं, उन्हीं प्रिंटर्स में बिना किसी तरह की इंक चेंज किए हुए आप इस शीट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। एप्सन के जैसे मॉडल्स हो गए 130, 3110, 4160, 805, 850, L1800, ये किसी भी मॉडल में, या फिर और कोई दूसरे जो नए मॉडल्स भी आए हुए होंगे, उन्हीं नॉर्मल प्रिंटर्स के अंदर आप इस शीट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। HP की बात करें तो HP में भी जो GT सीरीज है, कैनन के अंदर जो 2010, 3010, 4010 ये जो सीरीज है उनमें भी आप प्रिंट कर सकते हैं, और ब्रदर के भी कुछ इंकजेट प्रिंटर्स हैं आज मार्केट में, उनमें भी आप आसानी से प्रिंट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है।
अब यहां ध्यान देने की बात यह है, ये जो शीट है ये तो वाटरप्रूफ है, बट जो इंक आप इसके ऊपर यूज कर रहे हो, क्या वो इंक वाटरप्रूफ है? नहीं, वो इंक वाटरप्रूफ नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो इंक जो प्रिंटर के साथ ओरिजिनल इंक आती है वो वाटरप्रूफ नहीं होती। और उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम आपको सोल्यूशन भी देंगे इस वीडियो के एंड में। और सॉल्यूशन कुछ इस तरह का होगा कि आपकी प्रिंटर की वारंटी भी खराब नहीं होगी, कम नहीं होगी, और ये शीट और उसकी इंक जो आप इसके ऊपर प्रिंट करने वाले हो वो भी वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अब आगे बढ़ते हैं कि ये शीट को प्रिंट तो हो गई, शीट मंगा भी ली आपने, अब इस शीट को कैसे यूज करें, उसे किस किस तरह से मार्केट में बेचें, या फिर इस शीट से क्या बना के आगे मार्केट में सप्लाई करें। तो ये जो शीट है हमारी, जो ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट है, इससे आप ऑब्वियसली बात है कि स्टिकर्स बनाएंगे, और जो ये स्टिकर्स होंगे आप इसे अलग अलग तरह के अमेजिंग स्टिकर्स बना सकते हो, स्पेशल ब्रांडिंग करने के लिए स्टिकर्स बना सकते हो, मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए स्टिकर्स बना सकते हैं। इन स्टिकर्स के थ्रू आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। इस शीट को खासकर यूज किया जाता है बैकलाइट एलईडीज में, इलेक्ट्रिक फोटो फ्रेम्स में और डिस्प्लेस में। प्रोडक्ट ब्रांडिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। मान लीजिए ये सिपर की बोतल है, और ये सिपर की बोतल आप मार्केट में सेल करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन या कोई ऐसी कोई छोटी मोटी या कोई इलेक्ट्रॉनिक आईटी कंपनी आई है आपके पास, उसे अपनी ब्रांडिंग यहाँ पे लगानी हो, तो वहाँ आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट लोगो या कोई दूसरी कंपनी का लोगो यहाँ प्रिंट करके यहाँ उसे पेस्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी की ब्रांडिंग हो जाएगी, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, और वो अपने एम्प्लॉयज या बड़े कस्टमर्स को गिफ्ट भी दे पाएगा। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे और कई प्रोडक्ट्स आप मार्केट और ब्रांड कर सकते हो, बस आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की देरी है। साथ ही साथ ये जो शीट है हमारी ट्रॉफीज के अंदर बहुत यूज होता है, ग्लास स्टिकर्स बनाने के लिए बहुत यूज होता है, रिवर्स ग्लास स्टिकर बनाने के लिए भी बहुत यूज होता है, व्हीकल स्टिकर्स के लिए, व्हीकल के ऊपर जो पास स्टिकर्स होते हैं उनके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और मेटल बैडजेस अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये शीट से बढ़िया कोई आइटम ही नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब मेटल बैड बनाते हैं तो उसके ऊपर लेजर इंग्रेविंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उस बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना जाके हम बस ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट के ऊपर हमारा जो भी एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन वगैरह होंगे वो प्रिंट करके, कटिंग करके हम मेटल बैड्स के ऊपर नीट एंड क्लीन तरीके से चिपका देंगे, तो प्रोडक्ट और खूबसूरती से आएगा। और ये तो था इस शीट और स्टिकर के बारे में एक ओवरऑल ओवरव्यू। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये शीट हमसे परचेज करना चाहें या फिर इसकी सैम्पलिंग ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पर, या फिर इस शीट के बारे में आपकी कोई बल्क इंक्वायरी हो तो नीचे जाइए YouTube कमेंट सेक्शन पे, और वहाँ लिख दीजिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी फॉर ट्रांसपेरेंट स्टिकर। वहाँ हम हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप हमें कम्युनिकेट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। कृपया आप अपना व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स नंबर पब्लिकली YouTube कमेंट सेक्शन में मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स होते हैं, वहाँ लोगों को आपका नंबर मिल जाएगा और वो आपके लिए सेफ नहीं होगा। तो इसीलिए हमने हमारा एक डेडिकेटेड नंबर डाल दिया है जो हम पब्लिकली लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था। अब बात करते हैं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इस शीट की लिमिटेशंस क्या है, इस शीट की लिमिटेशन क्या है। इस शीट की लिमिटेशन ये है, ये शीट तो अपने आप में वाटरप्रूफ है ही, बट इसके ऊपर जो इंक प्रिंट होने वाली है, जो एप्सन प्रिंटर, कैनन, एचपी, ब्रदर वगैरह में जो प्रिंट होती है इसके ऊपर इंक, वो वाटरप्रूफ नहीं होती। इस वक्त मैंने आपके आपके सामने इसके ऊपर पानी डाला था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई डैमेज नहीं आई, बट मैंने इस शीट को बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्टिंग की है और लगभग 1 लीटर पानी इसके ऊपर बार बार डाला है, तो उससे क्या हो रहा है, पिंक इसमें आपको शायद कैमरे में दिख रहा होगा, प्रिंट थोड़ा सा फेड होना शुरू हो गया और थोड़ी सी इंक साइड से लीक होना शुरू हो गई है। और अगर आप ये प्रोडक्ट ब्रांडिंग के लिए, तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है कोल्ड लैमिनेशन। अगर आपको पता नहीं कोल्ड लैमिनेशन क्या होता है तो टेंशन मत लीजिए, कोल्ड लैमिनेशन सब्जेक्ट के ऊपर
उसकी मशीन्स के ऊपर मैं अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोल्ड लैमिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे किसी भी तरह की शीट के ऊपर आप एक स्टिकर लैमिनेशन कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी तरह का स्टिकर बना रहे हो तो उसको बाय डिफॉल्ट आपको कोल्ड लैमिनेशन ही करना है ताकि उसके ऊपर जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट स्टिकर है, इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक का स्टिकर लैमिनेशन करेंगे जिससे इसके ऊपर जो प्रिंट है वो परमानेंट हो जाएगा और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग आ जाएगी जिससे धूप में, बारिश में, किसी भी हालात में, गर्मी में, ठंड में, जो भी है, वो शीट का जो कलर है वो फेड नहीं होगा, वो प्लास्टिक की कोटिंग उसको प्रोटेक्ट करेगी। कोल्ड लैमिनेशन एक सस्ता टिकाऊ मेथड है जो बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है और इस स्टिकर बनाने के एप्लीकेशन में भी फायदेमंद रहेगा। बट दूसरा सॉल्यूशन एक और है हमारा, उसका नाम है थर्मल लैमिनेशन, और थर्मल लैमिनेशन जो होता है बेटर क्वालिटी का होता है और एक बहुत बड़ा स्केल में आप इस काम को अप्लाई करना चाहो तो आपको थर्मल लैमिनेशन ही लेना पड़ेगा। बट दिक्कत यह है कि थर्मल लैमिनेशन जो है एक कॉस्टली सॉल्यूशन है, एक महंगा सॉल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर जो मशीनरी लगती है वो मशीनरी अपने आप में ही कम से कम 40,000 की होती है और उसे यूज करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी जो आपको धीरे धीरे करते करते सीखना पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं मेरे बहुत सारे कस्टमर्स के लिए और आपके लिए भी शायद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना एक छोटे से बिजनेस के ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो उसी के लिए हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उस नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं जिससे थर्मल लैमिनेशन भी आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट 4,000 से 5,000 के छोटे से इन्वेस्टमेंट मशीनरी के ऊपर आप थर्मल लैमिनेशन कर पाएं। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग जल्द ही डेवलप करने वाले हैं, ये होनी चाहिए। इस वक्त आपके स्क्रीन में जो आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं प्रिंट सेटिंग का, यहां पे मैंने ऑप्शन दे दिया है पेपर सेटिंग एज प्लेन पेपर एंड क्वालिटी एज नॉर्मल। ये मैंने एप्सन प्रिंटर की जो सेटिंग होती है उसके ऊपर दिया है। आप HP या ब्रदर का जो भी आपका प्रिंटर हो उसकी इक्विवेलेंट या उसके बराबर की एक सेटिंग आप सेट कर दीजिए ताकि वो आसानी से आप प्रिंट कर सकें। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता रहता है और कुछ प्रोडक्ट्स नए बनाने का, और आपकी ही प्रोडक्ट की डिमांड थी ये ट्रांसपेरेंट स्टिकर शीट, जिसके कारण हमने इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च किया और इसके ऊपर वीडियो बनाया है। एंड इट इज़ अपॉन योर डिमांड्स ओनली जो हमें मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे जो हम ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉलोइंग अस एंड being in business with us. Thank you.